अरुण क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बना रहे हैं पनीर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम पनीर खरीदते हैं बाहर से और उसका अलग अलग स्वाद आता है, लेकिन अगर आप घर में पनीर बनाएं और अपने हाथों से पनीर बनाएं तो उसका स्वाद लाजवाब होता है। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको फुल क्रीम दूध लेना है। तो ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है और ये 2 किलो मैंने दूध लिया है। ये 4 पैकेट दूध के हैं, ये 2 किलो दूध है। तो इसको हम अभी इससे हम अभी पनीर बनाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ देखिए और सीखिए कि घर पे पनीर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग दूध को उबालेंगे। तो दूध को उबालने के लिए आप देखिए, आप जब भी इस तरह के थैला इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसा थैला इस्तेमाल करते हैं जिसको आप फेंक देते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको इतना ही काटिए, उसको इतना ही काटिए, इसको रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों को अलग अलग काटेंगे तो ये कहीं जाके गिरेगा और ये कहीं जाके गिरेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिथीन कितना खतरनाक है हमारी इस धरती के लिए। तो हमेशा पॉलिथीन को ऐसे ही काटिए ताकि आप इस थैले को जहां भी फेंकें या ये रिसाइकिल होने के लिए जहां भी जाए तो ये दोनों साथ में जाए। तो दोस्तों हमने 2 किलो दूध डाल दिया, अब इस दूध को हम उबालेंगे। हमें आधा नींबू काट लेना है और उसका रस निकाल के रख देना है। इसी रस को हम दूध में मिलाएंगे ताकि दूध फट जाए और हम अच्छी तरह से अपना पनीर बना सकें। साथियों, अगर हमें बहुत अच्छा पनीर बनाना है तो उसके लिए हमें उबलते दूध के साथ क्रीम भी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने घर में इस तरह से मलाई इकट्ठा कर सकते हैं तो घर की बनी हुई क्रीम आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से लाकर भी क्रीम मिला सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने 2 लीटर मेरा दूध है तो मैं इतना क्रीम इसमें मिला रहा हूँ। तो आप देखिए, अब मैं उबलते हुए दूध में क्रीम मिला रहा हूँ और क्रीम मिलाने के साथ साथ इसको चलाते भी रहना है, तो ये क्रीम बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्रीम मिलाएंगे इसमें और इसको चलाते भी रहेंगे। इसको चलाना इसलिए भी जरूरी है, अगर हम चलाएंगे नहीं तो जो दूध की क्रीम है वो ऊपर इकट्ठा होने लग जाती है, तो इसको चलाते रहना बहुत जरूरी है। साथियों, अगर आप ऐसे पनीर बनाते हैं, इस तरह से क्रीम मिलाते हैं, तो आपका पनीर बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत स्वादिष्ट भी बनेगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये दूध उबल गया है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाएंगे और नींबू धीरे धीरे मिलाएंगे और नींबू आप उतना ही मिलाएं कि जितने में ये दूध जो है फट जाए, आपका इतना ही नींबू मिलाना है। और अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरका भी मिला सकते हैं, और अगर आपके पास नींबू भी नहीं है और सिरका भी नहीं है तो आप थोड़ा सा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने नींबू डाला, तो अभी इस नींबू के से कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और डालेंगे। ये करीब आधा नींबू हमने डाला है इसमें। तो ये देखिए, अभी हमारा ये दूध फटने लग गया है और बिल्कुल अब पनीर बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। तो इसको और उबालेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक ये पानी अलग अलग ना हो जाए।
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हमने दूध को उबाला और उसमें नींबू मिलाया, और उसके बाद भी इसको आपको गर्म करते रहना है और इसको चलाते रहना है। तब तक चलाना जब तक कि देखिए इसका रंग ना बदल जाए। देखिए इसका रंग पानी का जैसा हो गया है, और हमारा ये पनीर हमारा तैयार हो गया है। इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे, और इसको पकाने के बाद इसमें हम बर्फ के टुकड़े मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे पनीर बनता है। दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं, ये बर्फ है, ये बर्फ के टुकड़े हैं। तो हमारा पनीर अभी बन चुका है, तो इसमें हम अब ये बर्फ के टुकड़े डालेंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब देखिए, जैसे कि ये पनीर बन चुका है, और अगर हम इसको सीधे धो देंगे तो इसमें जो क्रीम है वो भी बह जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि इसमें हमें कुछ बर्फ डाल देनी है ताकि ये पानी ठंडा हो जाए, और जो क्रीम है वो पनीर के ही साथ रहे और वो बहे ना। तो दोस्तों, हमारा पनीर बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, और एक कपड़े में हम ऐसे इस पानी को छान लेंगे। और ये जो पानी निकल रहा है, ये भी बड़े काम का होता है। आप इससे आटा गूंथ सकते हैं और दूसरे किसी खाने की चीज़ों में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। तो आप पनीर देख सकते हैं, ये 2 किलो दूध का पनीर है, 2 लीटर दूध का पनीर है। तो ये पनीर बना हुआ है। दोस्तों, ये देखिए हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है अभी। ये पनीर बन गया है। ये 2 लीटर दूध का पनीर ये बना हुआ है। तो इसको अभी एक बार और धो लेंगे हम ठंडे पानी से। इसको धोना इसलिए जरूरी है ताकि इसमें जो भी हमने नींबू डाला है, जो भी खट्टापन इसका है, वो सब निकल जाए। दोस्तों, हम ऐसे पानी डाल के इसको धो लेंगे एक बार, ताकि इसमें जो भी नींबू का खट्टापन है वो इसका सब निकल जाए। तो दोस्तों, अभी हमारा पनीर बनके बिल्कुल तैयार है, और ये हमारी हैंडमेड मशीन है, ये हमने खुद बनाई है। आप भी घर पे बना सकते हैं। तो इसके अंदर अभी हम ये पनीर रखेंगे और ऊपर से इसको लगा देंगे, और ये आप अमेजोन से इसको खरीद सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो पनीर जो हमारा बना हुआ है, इसको ऐसे एक पॉलिथीन में डाल देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये लकड़ी की खुशबू है, ठीक है, इसको इसलिए डाला, जो लकड़ी की खुशबू है ये पनीर में ना आए। और इस थैले में हमने कुछ छेद बना के रखे हैं, तो जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। अब हम इसको इसमें इसे फिट कर देंगे। ये फिट हो गया। इसमें हमने ये पनीर डाला इसके अंदर, और इसको ऐसे पैक कर दिया। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, अब ये इसके अंदर हमारा पनीर फिट आ गया है, और इसको हम ऐसे कस देंगे। ये देखिए नीचे को जाते जा रहा है। तो हम जैसे इसको कस रहे हैं, जो बचा हुआ पानी है वो लगातार बाहर निकलते जा रहा है, और हम इसको ऐसे रख देंगे। तो इसमें जो भी चीज़ें बचा हुआ पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, और हमारा बेहतरीन पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमारा पनीर बनता है, हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, अभी हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसमें करीब हमने 3 घंटे तक ऐसे पनीर को दबा के रखा है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको खोलेंगे और प्लेट में पनीर आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये पनीर बनाने का तरीका है, आप इसी तरह पनीर बनाइए।
तो दोस्तों हमारा पनीर बनके एकदम तैयार है, बहुत अच्छा पनीर बना है आप देख सकते हैं, और बहुत स्वादिष्ट पनीर भी बना है। और हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए, और एक हमारी विनती है आप सब लोगों से, जब भी आप कम से कम पॉलिथीन का उपयोग कीजिए, और जब भी पॉलिथीन का उपयोग करते हैं तो उसको किसी सुरक्षित जगह पर फेंकिए। तो हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजते रहिए। अरुण क्रिएशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।